हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए काजू मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया ना, तो आप ये रेसिपी उनको बना के ज़रूरी ट्राई करना, उनको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको तारीफ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि उसको बनाना कैसे है। इसके लिए मैं 2 से 3 प्याज ले रही थी और इसको छिल के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और इसमें ना बहुत सारा काजू डालेंगे, क्योंकि काजू मसाला बन रहा है तो इसके मसाले में काजू का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ढेर सारा काजू डाली हूँ और इसको गैस पे रख ली हूँ। अब इसमें 2 गिलास के लगभग मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से उबालना है, एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको पकाना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है ये। अब इसको ना छन्नी में डाल के मैं छान लूँगी। ये देखिए मैं छान के इसको ठंडा होने देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है, गैस पर मैं कढ़ाई रखी हूँ और उसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दी हूँ। घी जैसे ही गर्म होगा इसमें काजू को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ना फ्राई करके डालेंगे काजू को ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और टेस्ट इसका और दुगना हो जाएगा। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में ना इसका सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। और बस ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा आ गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। और मैं पूरी सब्जी घी में बनाने वाली हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड की हूँ, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग, इलायची। और जैसे ही वो गर्म हो गए हैं, अच्छे चटक गए हैं, मैं इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और इसको डाल दी हूँ। जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा ना, तब तक इसको भूनते रहेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है। इसमें 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। इसको भी 1 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाता तब तक। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं बहुत ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बस इनको ना बहुत अच्छे से भून लेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भून जाए थोड़ी देर। अभी इसमें ना टमाटर को कद्दूकस करके रखी थी, अब इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को पकने के लिए ना पहले नमक डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके लीड लगा के इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं, जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका अच्छा से पेस्ट बना के रेडी करते हैं। ये देखिए एकदम क्रीमी सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया, एकदम बॉइल्ड दिख रहा है ना इसका ग्रेवी। और इधर देखिए टमाटर भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको दबा दबा के और अच्छे से पका रही हूँ। और ना मैं ये तेज पत्ते को निकाल रही हूँ इसका, क्योंकि फ्लेवर सब्जी में आ चुका है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और बस अब इसमें ना काजू का जो ग्रेवी को बना के रखे थे उसको डाल देंगे, पीस के रखे थे। और थोड़ा सा ग्राइंडर जार को धो के भी डाल देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा लगा हुआ है हमारा काजू और प्याज का पेस्ट। और बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान है ये बनाना, कोई इसमें टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला हो ना, तो ये सब्जी को ज़रूर बना के खिलाना आप। और लीड लगा के 5 मिनट तक के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं, जिससे बहुत अच्छे से पक जाए। और ये देखिए काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है और ऑयल भी ऊपर ऊपर आ गया है, मसाला हमारा रेडी है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ना मैं मावा डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ऑप्शनल है। ये मेरे पास मावा था, फ्रिज में रखा था, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट करके डाली हूँ। और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें ना वो जो काजू को फ्राई करके रखे थे वो सारे काजू इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा काजू को मैं बाहर रखी हूँ 1 मुट्ठी के लगभग, इसको मैं गार्निश करने के लिए साइड में रखी हूँ। और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें कसूरी मेथी को ना क्रश करके डाल देंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है और अभी हमको काजू को ही पकाना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ। बहुत ही अच्छे से काजू हमारा पक जाए, लीड लगा के इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो चुका है और काजू भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और बस अब इसमें धनिया पत्ते डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा काजू मसाला बन के रेडी हो गया। और मैं इसको काजू के साथ गार्निश की हूँ धनिया पत्ती के साथ,
अरे हमारा काजू मसाला बनके एकदम परफेक्ट रेडी है। आप इसको बटर नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, कुलचे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप एक बार ज़रूर बना के बताइएगा काजू मसाला कैसे बना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।